हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। प्रवासी मजदूर पिछले एक सप्ताह से लगातार प्रशासन से घर भेजने की मांग कर रहे हैं और प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों की सुध ली है। प्रशासन ने उत्तर प्रदेश जाने के इच्छुक करीब 730 मजदूरों की तैयारी कर ली है। इन सभी मजदूरों को सिरसा बस स्टैंड से गांव सिकंदरपुर के राधा स्वामी सत्संग घर भेज गया है और कल यहां इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके बाद रोडवेज की 25 बसों से इन्हें उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा और बसों में सवारियां सीमित संख्या में बैठाई जाएंगी। बस अड्डे के ट्रैफिक इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि रोडवेज ने पूरी व्यवस्था कर दी है। सभी ड्राइवरों और कंडक्टरों सहित स्टाफ को सूचित किया जा रहा है और कल सभी बस अड्डे में मौजूद रहेंगे और प्रशासनिक आदेश मिलते ही सिकंदरपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग घर से करीब 730 प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो अब बसें हम भेज रहे हैं, इसमें 30 के आसपास हम लगभग 30 और उससे भी कुछ कम सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए सिकंदरपुर तक के लिए बसें भेजी जा रही हैं। कल भी जो नियर अबाउट 750 के आसपास प्रवासी मजदूर हैं, उनको भी जब उत्तर प्रदेश में भेजा जाएगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्रशासन द्वारा ही ऑनलाइन बुकिंग की गई है और इनका डाटा है जो वो सारा प्रशासन के पास है और इनकी भी पूरी स्क्रीनिंग होने के उपरांत इनको भेजा जाएगा।